भाइयों और बहनों, अमेठी में मैं राइफल की फैक्ट्री लाया था, AK-47 की फैक्ट्री लाया था। आप जानते हो फैक्ट्री आज तक क्यों नहीं चालू हुई है? क्योंकि नरेंद्र मोदी अदानी को कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता है, इसीलिए वो आज फैक्ट्री चालू नहीं हुई है, इसीलिए वहां AK-47 नहीं बन रही है, AK-203 नहीं बन रही है। अजीब सा चुनाव है, क्योंकि पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग हमारे संविधान को खत्म करने में, नष्ट करने में लगे हुए हैं। इनके नेताओं ने साफ कहा है कि हम अगर चुनाव जीतेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। अब भाई और बहनों, आपको मालूम है कि जो भी आपको आज तक मिला है, किसानों को, गरीबों को, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, जो भी हिंदुस्तान के कमजोर लोगों को मिला है, वो इस किताब ने आपको दिया है। और इस किताब के बिना जनता की सरकार नहीं होगी, अदानी और अंबानी की सरकार होगी। और वो जो आज आपकी थोड़ी सी रक्षा है वो भी गायब हो जाएगी। और नरेंद्र मोदी जो चाहते हैं, दो तीन लोगों की सरकार वो पूरी तरीके से चलाएंगे। दो तीन और चीजें होंगी, जो आपको पब्लिक सेक्टर में रोजगार मिलता है, सरकारी ऑफिसेज में रोजगार मिलता है, वो खत्म हो जाएगा, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, और गरीबों के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। तो सारे के सारे जो आपके रास्ते हैं, जैसे ही ये संविधान खत्म होगा, ये सारे के सारे रास्ते आपके बंद हो जाएंगे। और लड़ाई इसी बात की है, लड़ाई संविधान को बचाने की है, लड़ाई किसानों को अधिकार दिलवाने की है, गरीबों की रक्षा करने की है। नरेंद्र मोदी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, कहा ना, और फिर कहते हैं देखो नाली में पाइप डालो हिंदुस्तान के युवा, उसमें से गैस निकलेगा, गैस से पकौड़े तलो और बेचो। और दो तीन लोगों ने जाके नाले में पाइप डाला और ट्राई किया, ना गैस, ना पकौड़े, ना कुछ। आप देखिए रायबरेली में, अमेठी में कितना काम हुआ है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, लालगंज रेल कोच फैक्ट्री, एनटीपीसी उचाहर थर्मल पावर स्टेशन, एम्स जिसको बीजेपी ने रोका, स्पाइस पार्क जिसको बीजेपी ने रोका, शारदा कनाल, गंगा ब्रिज, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी, निफ्ट, FDDI, ये सब हमने किया, हाईवेज बनाई। मगर मीडिया आपको ये कभी नहीं कहेगा, कभी नहीं बताएगा। भाई और बहनों, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, गंगा में लाशों के ढेर हैं, मगर भाइयों और बहनों मोबाइल फोन की लाइट ऑन कर दो, चमकाओ, पूरी दुनिया को दिखाओ कि हिंदुस्तान में कोविड से करोड़ों लोग मर रहे हैं। और जब लाइट ने काम नहीं किया तो फिर कहते हैं भाई और बहनों, चलो भैया लाइट नहीं चली, थाली बजा दो। और जनता मीडिया कह रही है वाह 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 वाह, क्या कमाल की बात करी। भाई और बहनों, 6 साल का बच्चा जानता है कोविड कैसे फैलता है। सबको सड़क पे बैठा दिया, खड़ा कर दिया, सब लोग थाली बजा रहे हैं और कोविड धड़ाधड़ फैल रहा है, लोग मर रहे। मीडिया कह रही है देखो क्या प्रधानमंत्री है भैया, क्या थाली बजा दी, देखो नचा दिया लोगों को। नरेंद्र मोदी जी अंबानी को
लाखों करोड़ रुपए देता है, अंदानी को लाखों करोड़ रुपए देता है, पता क्या करता है वो, अमेरिका में जाके जर्मनी में जाके जमीन खरीदता है ना। अब हमने आपको लाखों लोगों को करोड़ों लोगों को पैसा दिया, आप क्या करोगे, जर्मनी तो नहीं जाओगे, रायबरेली में माल खरीदोगे, कोई शर्ट खरीदेगा, कोई पैंट खरीदेगा, कोई जूता खरीदेगा, कोई गाड़ी खरीदेगा, घोड़ा तो आज कोई खरीदता नहीं है। और पूरा का पूरा जो आपका पैसा मार्केट में जाएगा, जो भी आप खरीदोगे, सारी की सारी फैक्ट्रियां जादू से चालू हो जाएंगी, शुरू हो जाएगी। और भाई और बहनों, उन्हीं फैक्ट्रियों में आपको रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। बात समझ आई? सर्कल है, इंजन स्टार्ट करो, फैक्ट्री स्टार्ट होगी, फैक्ट्री स्टार्ट होगी, रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा, आप खरीदोगे, खरीदोगे, फैक्ट्री स्टार्ट होगी, ये हिंदुस्तान का आर्थिक इंजन शुरू हो जाएगा धड़ाधड़। और गाड़ी आगे की ओर चलेगी, और चाइना की जो गाड़ी है उसको पीछे छोड़ देंगे हम। मेड इन रायबरेली, मेड इन अमेठी, मेड इन यूपी, मेड इन इंडिया। मेरी दोनों माताओं की ये कर्म भूमि है, और इसीलिए मैं यहां रायबरेली से चुनाव लड़ने आया हूं।